हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत अच्छा दिन है, शिवरात्रि का दिन है, बहुत अच्छा दिन माना जाता है। तो अच्छी बात एक ये भी है कि आज छुट्टी है और आज है सैटरडे, तो इसको सुपर सैटरडे बनाया जा सकता है क्योंकि इंडियन मेंस टीम तो खेल ही रही है, जो अपना मैच दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के सामने चल रहा है और बैटिंग आज आएगी और अपना बहुत अच्छा आपको देखने में मज़ा आएगा। लेकिन साथ में शाम को होगा इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम का इंग्लैंड वुमेंस क्रिकेट टीम से मैच, तो आज हमारे लिए मौका है सेमीफाइनल में जाने का, तो आज हमारे लिए बन सकता है सुपर सैटरडे। तो अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम वर्सेज इंग्लैंड वुमेंस क्रिकेट टीम के मैच के बारे में, जो आईसीसी वर्ल्ड टी20 2023 का मैच आज शाम को 6:30 बजे से साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड की भी जो टीम है वो वुमेंस क्रिकेट टीम में सेकंड बेस्ट टीम मानी जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया तो नंबर वन है, इतने सारे वो वर्ल्ड कप जीती है, वनडे में वो 11 में से 7 वर्ल्ड कप जीती है, 12 में से 7 वर्ल्ड कप जीती है, लेकिन 4 बार उसमें इंग्लैंड भी जीती है। अगर 5 बार ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप जीती है 7 में से, तो 1 बार इंग्लैंड की टीम भी जीती है। तो यही बात है कि हमेशा ये टीम बहुत अच्छा करती है और ये फाइनल से कम में नहीं आती है। ज़रूरी है वहाँ हार जाती है, ऑस्ट्रेलिया से हारती है, लेकिन उससे कम में नहीं आती। और हमारी भारतीय टीम का भी जो रिकॉर्ड है इसके सामने कोई बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर इसके सामने हारती है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं लेखा जो अब तक क्या रहा है। तो पहले मैं वर्ल्ड कप के मैचेस की दोनों बात करूं जो इंडिया के हुए। अपना ये है कि दोनों में टॉस इंडिया जरूर हारा, लेकिन यह कि पाकिस्तान के हमने 150 बनाने थे, और हम बात करें तो ऋचा घोष की बहुत अच्छी पारी और जेमी रॉड्रिग्स की बहुत अच्छी पारी के बदौलत हमने मैच जीता और पाकिस्तान के सामने वर्ल्ड कप में अच्छा रिकॉर्ड कायम रखा। वेस्ट इंडीज के सामने 119 रन बनाए थे, एक टाइम पे मैच फंसा जब 40 पे 3 हो गए थे, लेकिन हरमनप्रीत कौर कप्तान और फिर एक बार फिनिशर अच्छी बनी ऋचा घोष। अब यह कि इंग्लैंड से मैच है इसका, आयरलैंड से है, लेकिन हम चाहेंगे हम इसी मैच को जीत के सेमीफाइनल में चले जाए, क्योंकि अब ये है कि जो वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड है वो तो मैक्सिमम 2-2 मैच ही जीत सकते हैं, और यह है कि जो इंग्लैंड और पाकिस्तान है उनका भी आपस में मैच है, तो एक टीम तो होगी जो मात्र 2 मैच ही जीत पाएगी। तो यह कि अगर हम आज ही इंग्लैंड को हरा देंगे तो उनका तो जो हमारा सेमीफाइनल में जाने का सपना है वो आज ही पूरा हो जाएगा। आयरलैंड के मैच की हमें वेट ही नहीं पड़नी पड़ेगी, और अच्छी बात यह कि हमें अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बूस्ट होगा। तो पहले बात करते हैं कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स की। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जो रिकॉर्ड है टेस्ट में, अगर हम बात करें तो टोटल 14 टेस्ट मैच हुए जिनमें 11 मैच ड्रॉ रहे हैं, एक मैच इंग्लैंड की टीम जीती और 2 मैच जीती हमारी भारतीय टीम। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जहाँ हम इनसे आगे हैं, क्योंकि बाकी अगर मैं वनडे मैचेस की बात करूं तो 76 मैच हुए हैं जिनमें 2 मैच नो रिजल्ट रहे हैं, 40 मैच इंग्लैंड की टीम जीती है और 34 मैच हमारी भारतीय टीम जीती है। तो 6 मैच कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जीते हैं। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि पिछले लगभग 8-10 साल से स्मृति मंदाना, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी से, और हम बात करें हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, इनकी बदौलत हमने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और अब काफ़ी मैच उनसे जीते हैं। लेकिन टी20 में आंकड़ा काफ़ी ख़राब है। इंग्लैंड जहाँ 26 में से 19 मैच जीते, हमारी भारतीय टीम मात्र 7 मैच जीती है। अगर मैं वर्ल्ड कप में बात करूं तो वर्ल्ड कप में यह है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में फिर भी हम 4 मैच जीते हैं जबकि वो 8 जीते हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में 5 ही बार हम इनसे हारे हैं, एक भी बार नहीं जीते हैं। 2009 की बात कर लूं, उसके बाद अगर मैं बात करूं 2012 की, 2014, 2016 और 2018, 2021 और 2010 में मैच नहीं हुआ था। और इन सभी में मेन बात ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा रन भी नहीं बना पाए, 2 बार तो 90-95 रन बना पाए, 2 बार ऐसे ही 110-115 रन, और एक बार जो मैक्सिमम हाईएस्ट रन बने थे वो शायद 111 ही थे जब 2018 में सेमीफाइनल था। हम 4 मैच बड़े अच्छे से जीत के आए थे, ऑस्ट्रेलिया तक को आ गए थे, लेकिन इन्होंने हमें 111 पर ऑल आउट कर दिया और अपना यह कि वो मैच 17-18 ओवर में आराम से जीत के हमें बाहर कर दिया। तो ये है कि ये इंग्लैंड की टीम कभी हमसे वर्ल्ड कप में नहीं आई है टी20 वर्ल्ड कप में, और वैसे भी 19 मैच जीती है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस हमारे पास भी ये है कि जो अभी दोनों की टीमें खेल रही हैं, ये लास्ट ईयर CWG के सेमीफाइनल में टकराई थी और हमने इंग्लैंड का मेडल कोई भी जीतने का सपना तोड़ दिया था और खुद अपना सिल्वर मेडल अपने नाम करने का पहले से ही सोच लिया था, जहाँ 160 रन से ऊपर बनाए थे और एक टाइम पर इंग्लैंड 9 ओवर में 80 पे था, लेकिन वहाँ से बहुत अच्छी वापसी करी और ये मैच जीत लिया। तो इंग्लैंड में काफ़ी स्टार खिलाड़ी हैं, अगर हम बात करें जो उनकी कप्तान है हैदर नाइट, बहुत एक्सपीरियंस्ड है मिडल ऑर्डर में, नेट्स कीवर बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, ऊपर डंकली जो उनकी ओपनर है, डेनियालिया वॉयट वो बहुत अच्छी हैं, आमी जोन्स, एलिस कैप्सी ये बहुत अच्छी फॉर्म है, सोफी एलिस्टोन भी नीचे अच्छी बैटिंग कर लेती हैं, कैट स्कीवन मंड भी बैटिंग कर लेती हैं, इसके सिवा ये दोनों बॉलर भी बहुत अच्छी हैं। तो काफ़ी अच्छी ये टीम है, लेकिन पिछले साल ये टकराई थी तो तब हारी थी। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही, और जो हमारे खिलाड़ी हैं स्मृति के अब दोबारा रन बने, क्योंकि पहला मैच उन्होंने खेला नहीं और दूसरे मैच में ये है कि अपना उनके रन नहीं बन पाए, क्योंकि फिलहाल उनकी रन की बदौलत ही हम जीते थे। शेफाली की जो इनिंग आ रही है 25-30 की ऐसे ही आए, लेकिन इसको और थोड़ा 40-45 तक करें, जेमी मा अच्छा खेलें, हरमनप्रीत थोड़ा और अच्छे से तेज खेलें, दीप्ति की बॉलिंग ऐसे ही रहे, इसके सिवा पूजा वस्त्रकर की बात कर लें या हम और भी जो बॉलर्स हैं हमारे, रेणुका सिंह ठाकुर की बात करें, राजेश्वरी गायकवाड़ की बात करें, तो सब लोग काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलें, हम यही उम्मीद करते हैं। बाकी अपना ऑलराउंडर्स में हरलीन देओल या देविका वैद्य, वो भी जो भी खेलें वो अपना बॉलिंग में तो कंट्रीब्यूट करें, साथ में बैटिंग, क्योंकि नीचे की जो बैटिंग है वो थोड़ी कमज़ोर है,
है उसको मजबूत करना है। तो मुझे ये लगता है कि अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो अपना वही ट्राई कीजिए कि 130-135 तक इंग्लैंड को रोक लीजिए और अपना वो मैच जीते। उसमें यह है कि स्मृति या शिफाली को ऊपर से थोड़ी तेज़ ओपनिंग देनी पड़ेगी ताकि बाद में वो मैच हम जीत जाएँ। और अगर यह कि हम पहले बैटिंग करते हैं तो 150 प्लस रन बनाएं। मुझे लगता है कि अगर 150 प्लस रन हम बनाएंगे तो ये मैच हम ज़रूर जीतेंगे। अगर 160 से ऊपर गए तो फिर तो पक्का ही जीतेंगे। बात यह है कि क्या पता 130-140 रन भी हम बनाएं, लेकिन फिर वही होगा कि शायद जीतना बहुत मुश्किल ही हो जाएगा। मैच फंस जरूर सकता है लेकिन वो नहीं। और अगर आप गलती से 120 के नीचे हो गए या जैसे पहले 90-100 पे आउट हो जाते तो फिर तो ये मैच आप हारोगे और बहुत बुरी तरीके से भी हारोगे। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं लगती। मुझे लगता है कि अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा तो 130-140 पे रोक के वो टारगेट हासिल करेगा, और अगर पहले बैटिंग करेगा तो 150-160 तक बना के इंग्लैंड को रोक लेगा। तो मेरी विनर होगी टीम इंडिया। मजे लीजिएगा इंडियन मैच टीम की बैटिंग का, अच्छे से वो रन बनाएं और अपना इस जो टारगेट को पूरा करें और अच्छी उसके बाद उनको लीड दें ताकि अपना दोबारा बैटिंग ही ना करनी पड़े या फिर बहुत लंबी बैटिंग ना करनी पड़े। और साथ ही हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम आज जीत के सेमीफाइनल में पहुंचे। बाकी अपना जो टॉस होगा, पहले जिसकी बैटिंग होगी, फिर एक इनिंग जब होगी दूसरी इनिंग होगी, वो सब आप मेरे शॉर्ट्स में देखते रहिएगा। तो मिलेंगे जल्दी। हर हर महादेव।